सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. इफ ए इक्वल्स टू एक 3x3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है. हम सबको पता है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो. ओके, सो सिंस ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, देयरफॉर ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर. What does it mean? It means that, this implies that determinant of A should not be equals to zero. So इस property का हम इस्तेमाल करेंगे और lambda की values को निकालने की कोशिश करेंगे. So इसका मतलब हो गया determinant of 2 lambda minus 3, 0, 2 and 5 and then 1, 1, 3 should not be equals to zero. अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस रो से या फिर किस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं. हम इसको चलिए रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं. सो एक्सपेंडिंग अलोंग अगर हमने इसको रो 1 से किया तो क्या मिलेगा हमें, हमें पता है यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस. सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ 3 इज 6 एंड माइनस 5, देन माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड कीजिए, 0 माइनस 5 एंड देन माइनस 3 ऑलरेडी था पहले से ही. सो ये हो जाएगा 0 एंड माइनस का 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है हमारे पास. सो ये हमें देगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 5 एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 विच विल गिव अस 2 प्लस 5 लैम्डा एंड प्लस 6 शुड बी इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल गिव अस 5 लैम्डा प्लस 8 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. अल्टीमेटली वी विल गेट लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन में 5. इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा और वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट lambda equals to minus 8 upon 5. So इस मैट्रिक्स का इनवर्स सारी वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए निकलेगा, बस लैम्डा नॉट इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 5 के लिए नहीं निकलेगा. ठीक है, एक्सेप्ट हम बोल देते हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट लगा हमने लिखा हमने यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा. अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस 8 अपॉन 5 होती है तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, वरना इसका इनवर्स निकलेगा. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है आप लोगों के पास.